बड़ी खबर इस बीच मिल रही है जयपुर से। जयपुर के विराटनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, गिरोह का पर्दाफाश किया, आधा दर्जन युवकों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर के विराटनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई आपके सामने है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और आधा दर्जन युवक बताए जा रहे जिनको गिरफ्तार किया गया। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्य, क्या जानकारी है, कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया, क्या अभी तक पुलिस बता रही है? दीपा देखिए, पुलिस अधीक्षक जो ग्रामीण है उन्हें डिपो ऑपरेशन किया था, उन्हें लगा था कि सूचना मिली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंदर पेपर लीक हो सकता है। ऐसे में विराटनगर इलाके के अंदर दबिश दी गई, वहां पर एक मास्टरमाइंड जो कि आर्मी ऑफिसर है उसको गिरफ्तार किया गया। नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम से वो कोचिंग संस्थान चलाता है और हर बार वो करीबन एग्जाम से दो घंटे पहले वो पेपर लीक करता है। 6 लाख रुपए में ये पेपर मुहैया कराता है, तो उसकी शिनाख्त पर, उसके निशानदेही पर करीबन 6 लोगों को गिरफ्तार किया बताया नाम आ रहा है। साथ साथ एक राजेंद्र मीणा नाम का भी व्यक्ति है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है कि प्रदेश के अंदर 6, 7 और 8 नवंबर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होनी है और इसीलिए पुलिस हर कदम वो कुक कर रही है। पिछली बार जब भर्ती परीक्षा हुई थी तो वो ऐसी पेपर लीक होने के कारण स्थगित हो गई थी, लेकिन इस बार पुलिस नहीं चाहती की पेपर लीक स्थगित हो, पेपर स्थगित हो, शायद इसीलिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दीपा चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए।